नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों एक बार फिर से मेरी किचन में। आज मैं राजस्थान की फेमस बाजरे की रोटी लेके आई हूँ। वो मिट्टी के चूल्हे पे बनाएंगे हम लोग हाथ से। बाजरे की रोटी अक्सर सर्दियों में बनाई जाती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, कढ़ी से या फिर साग से। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना बाजरे की रोटी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरी मम्मी जी बाजरे की रोटी बनाएंगे आज। ये पहले आटे को छान लेंगे। आटे को हमें छान के ही यूज़ करना है, जितना आपको चाहिए उतना छान लेते हैं। बाद में नमक डाल लेते हैं। पहले चूल्हे में आग जला लेते हैं ताकि हमारा तवा अच्छे से गर्म हो जाए। अभी नमक को अच्छे से मम्मी ने मिक्स कर लिया है। ये मेरी सासू माँ हैं मम्मी जी, तो बहुत ही स्वादिष्ट बाजरे की रोटी बनाती हैं। थोड़े थोड़े पानी डाल के आटे को गूंथेंगे। आप देखना कि बाजरे का आटा कैसे गूंथा जाता है। जितना अच्छे से बाजरे के आटे को हम गूंथेंगे उतनी अच्छी ही रोटी बनकर तैयार होगी। बाजरे के आटे को इसी तरह से गूंथा जाता है। आप देख पा रहे होंगे मेरी मम्मी जी किस तरह से बाजरे के आटे को गूंथ रही हैं। साथ में वो चूल्हे की आग को प्रॉपर जला के रखेंगे ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए। बाजरे की रोटी बनाने के लिए तवा हमें अच्छे से गर्म चाहिए, तभी हमारी रोटी अच्छे से परफेक्ट सिक्के तैयार होगी। आप जिस प्रकार से देख रहे हो ना मम्मी जी जिस प्रकार से आटा गूंथ रही हैं, आपको भी उसी प्रकार से आटे को गूंथना है। बाजरे के आटे को इसी तरह से गूंथा जाता है। गेहूँ के आटे की तरह बाजरे के आटे को नहीं गूंथा जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसी प्रकार से गूंथेंगे। एक साथ गूंथना नहीं है सारे आटे को। जैसे मम्मी जी ने थोड़ा सा आटा गूंथा है और थोड़ा साइड में रखा है, उसी प्रकार से करना है, क्योंकि हमें एक साथ नहीं गूंथना होता है। जितना दो तीन रोटी का आटा ही गूंथा जाता है बस, तो बस इसी प्रकार से गूंथ लेते हैं थोड़ी देर तक। थोड़ा सा आटा लेंगे, उसकी लोई बना के हथेलियों की सहायता से आराम से हमें रोटी को बड़ा करना है। हथेलियों को पानी लगा लेते हैं। पानी की सहायता से रोटी चिपकेगी नहीं और आसानी से दोनों हथेलियों से बन जाएगी। अब देखना किस प्रकार से मम्मी जी बड़े आसान से रोटी बनाएंगे। ये देखिए धीरे 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 उनकी रोटी बड़ी हो चुकी है और हमारा तवा भी इधर गर्म हो चुका है, तो बस रोटी को आराम से डाल देते हैं। बाजरे की रोटी थोड़ा आराम से बनाई जाती है क्योंकि बहुत जल्दी टूटने का डर रहता है। तो ये देखिए रोटी मम्मी ने डाल दी है चूल्हे पे और आग प्रॉपर जली हुई है। साथ ही मम्मी जी दूसरी रोटी भी बनाने की तैयारी कर रही हैं। देखिए एक्स्ट्रा आटा होता है उसको निकाल देते हैं। ये रोटी हमारी एक साइड से पक चुकी है, इसको पलट देते हैं। ये देखिए अभी इसको अच्छे से सेकेंगे। अच्छे से सेकने के बाद ही इसको हमें तवे से उठाना है। तो बस मम्मी जी इसी प्रकार से और भी रोटियां बना लेंगी। मम्मी जी छोटी सी रोटी बनाती हैं पहले, खाना बनाने से पहले, और उसको ही नीचे अच्छे से सेक रही हैं। अब इसका करते क्या है आप लोग देखना। अभी जब रोटी सिक जाएगी छोटी वाली, तो उसके बाद में उस पर घी लगाएंगे। और सबसे पहले जिस चूल्हे में रोटी बनाते हैं उसी को पहले से अर्पण करते हैं। थोड़ा सा दो तीन टुकड़े घी में लगा के चूल्हे में डालेंगे इस प्रकार से, देखो। और फिर उसको गाय को खिला देते हैं। उसके बाद में हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। मम्मी जी ने यहाँ पे एक रोटी और बना ली है और जो ऊपर वाली रोटी थी वो अच्छे से सिक चुकी है नीचे से, तो उसको हमें अभी घी में यानी आँच के सामने सेकना है। बाजरे की रोटी है उसको अच्छे से सेकेंगे। थोड़ी कड़क कड़क होती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो हमें इसको प्रॉपर आग पर सेकना है, नीचे जलाना नहीं है, सेकना है। थोड़ा सा दूर रखेंगे, दोनों साइड से
अच्छे से सेक लेते हैं। रोटी अच्छे से फूल चुकी है और अच्छे से सिक रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे, बाजरे की रोटी हो और कढ़ी बनाई हो या फिर साग हो, उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अच्छे से घी डाल के खा के देखना। सर्दियों में बहुत ही गर्माहट होती है शरीर में बाजरे की रोटी खाने से, और गांव में अक्सर लोग सर्दियों में बाजरे की रोटी ही बनाते हैं और गर्म गर्म खाते हैं। रोटी हमारी सिक चुकी है, ये देखिए एकदम प्रॉपर कड़क। तो अभी मम्मी जी इसमें घी डालेंगी अच्छे से, क्योंकि बाजरे की रोटी में घी नहीं जाता जब तक बाजरे की रोटी खाने में मज़ा नहीं आता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मेरे चैनल पर बहुत सारी बहुत ही सिंपल सिंपल और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो डालती हूँ, आप एक बार ज़रूर देखना। मैंने रोटी में घी अच्छे से लगा दिया है और मम्मी जी और भी इसी प्रकार से सारी रोटियां बना के तैयार कर लेती हैं और गरम गरम सभी को खिलाती हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है उनके हाथ की रोटी। हम लोग अक्सर मम्मी जी से बाजरे की रोटी बनवाते हैं भाई, क्योंकि उनके हाथ में जादू है। तो बस इसी प्रकार से मम्मी जी और भी रोटियाँ बना लेती हैं। ये लीजिए भाई, मेरी रोटियां बनके तैयार हो चुकी हैं। बाजरे की अच्छे से घी डला हुआ है और साथ में है बथुआ की कढ़ी, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। खाने का मन कर रहा होगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।